जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कंपनीज एक्ट 2017 में अमेंडमेंट के लिए, जो अभी रिसेंटली 30 अप्रैल 2020 को कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आया है, कि कौन कौन सी चेंजेस ये लेकर हमारे लिए आया है, कि कंपनीज एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस को अमेंड किया गया है, कौन कौन से सेक्शंस में से सब सेक्शंस को डिलीट किया गया है, एंड कौन से न्यू सेक्शंस ऐड हुए हैं और कौन से सेक्शंस में कौन से न्यू सब सेक्शंस ऐड हुए हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की, इस अमेंडमेंट्स की सेकंड वीडियो है। हम इससे पहले एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो में हमने कुछ 10 से 12 सेक्शंस एंड 5-7 सब सेक्शंस को भी डिस्कस किया था, जिनमें कुछ न्यू एडिशंस हुई थी, कुछ में आल्ट्रेशन हुई थी और कुछ सब सेक्शन और सेक्शन को डिलीट किया गया था। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ सेक्शंस को और सब सेक्शन को डिस्कस करेंगे, किस में चेंजेस हुई हैं, किसकी थोड़ी बहुत वर्डिंग को करेक्ट किया गया है और कुछ किस को डिलीट किया गया है। इसके बाद भी कुछ सेक्शंस हमारे बच जाएंगे, उसके हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। मे बी ये 5 तक की या 6 तक की वीडियोस की सीरीज तक ये हमारी अमेंडमेंट्स की डिस्कशन जाए। जी हमारा जो आज का पहला सेक्शन है वो सेक्शन 43 है। जैसे कि सेक्शन 42 मशहूर ज़माना NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन को डील करता है, एंड 43 में जॉब लाइसेंस रिवोक होता है आपका, तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं उनको डिस्कस किया गया था। लेफ्ट साइड पे अगर आप जो रेड हाईलाइटेड हमारा जो लिखा हुआ है, तो पहले था कि जब एक NPO का लाइसेंस कैंसिल होगा तो वो अपने सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर देगी विदिन 90 डेज किसी और NPO को जिसकी सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी। अब सिमिलर एक्टिविटीज़ वाली लाइन्स को उन्होंने ओमिट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, और उसकी जगह पर उन्होंने एक न्यू लाइन को ऐड किया है। वो लाइन क्या है कि वो किसी भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये अब कंपल्शन जो पहले थी कि सिमिलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो सिमिलर एक्टिविटीज़ वाली कंपल्शन को ख़त्म कर दिया गया है। किसी भी NPO को जो किसी भी लॉ के अंदर एज ए NGO या एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होगी, उसको अब वो कंपनी, वो NPO अपने जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकती है। फिर हमारा आज का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 48। सेक्शन 48 में कि जब कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अपने स्टेटस को कन्वर्ट करती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, तो उस केस में यहाँ पर सेक्शन 48 का सब सेक्शन 3 में एक सब सेक्शन ऐड किया गया है 3A। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अब सब कंपनीज ने क्या करना है, फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम, कि उन्होंने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फ्रेश बनाना है और उसको क्या करवाना है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है। अगर अपना नेक्स्ट सेक्शन देते हैं वह सेक्शन 70। जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है, न्यू शेयर इशू करती है, अलॉट करती है, तो उन्होंने अपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट करवानी होती है रजिस्ट्रार के पास। पहले रिक्वायरमेंट थी 45 डेज के अंदर, जब आप शेयर्स नए अलॉट कंपनी करेगी तो वो 45 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट करवाएगी। अब वो 45 डेज को ख़त्म करके उन्होंने क्या कर दिया, 30 डेज का पीरियड यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि अब 45 डेज नहीं है बल्कि 30 डेज होंगे। उसके अलावा आप इस रिटर्न के साथ एक डिक्लेरेशन भी सबमिट करवाते हो चीफ एग्जीक्यूटिव की, और ऑडिटर की रिपोर्ट भी रिक्वायर्ड थी कि हाँ, जिस पे ऑडिटर क्या देता है, रिपोर्ट देता है कि कंपनी ने सारे के सारे पैसे रिसीव कर लिए हैं जिसके अगेंस्ट उसने शेयर इशू किए थे। अब इस अमेंडमेंट में जो ऑडिटर रिपोर्ट वाली रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई है। अब ऑडिटर की रिपोर्ट साथ में अटैच करना कंपलसरी नहीं है, जस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की डिक्लेरेशन भी क्या है, उन्होंने इनफ करार दिया कि हाँ जी, इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा अगर डिक्लेरेशन दे रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। अब समरीज की अगर हम देखें तो हमारे पास दो हैं, एक 45 डेज को 30 डेज कर दिया गया है, उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट थी ऑडिटर के सर्टिफिकेट की वो अब क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, लॉ ने, गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर ली है। अगर अब ना हम अब नेक्स्ट सेक्शन देखें कि पहले क्या था, कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस, जब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या है कि जब कोई मेंबर अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हो, किसी को सेल कर रहा हो, तो इस बात का ख्याल करें, ये न्यू एडिशन है सेक्शन फाइव के अंदर एक न्यू पैराग्राफ ऐड हुआ है जो कि यहाँ पर उन्होंने मैंने लिखा हुआ है कि जब आप अपने किसी न्यू मेंबर पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो एग्जिस्टिंग मेंबर, तो इस बात का ख्याल करें कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं
मैक्सिमम नंबर मेंबर्स कितने हैं, 50 मेंबर्स होते थे हो सकते हैं मैक्सिमम एक प्राइवेट कंपनी में। मेंबर्स ने ख्याल करना है कि वो जो मैक्सिमम लिमिट है 50 वाली वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। और जो सब सेक्शन 6 था सेक्शन 76 के अंदर, वो अब क्या हो गया, डिलीट हो गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। अगर हम अपना अब नेक्स्ट सेक्शन देखें सेक्शन 79 के नॉमिनीज, जब अपना शेयर होल्डर तो किसी कंपनी के मेंबर्स अपना जो नॉमिनी उन्होंने अपॉइंट करना होता है, बताना होता है कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी डेथ के केस में ये शेयर्स किसको ट्रांसफ़र होंगे जब तक कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना आए। पहले क्या था कि जो नॉमिनी पर्सन होगा वो शैल नॉट बी पर्सन अदर देन रिलेटिव्स, कि वो मतलब रिलेटिव होने चाहिए, स्पाउस हो, फादर हो, मदर हो, ब्रादर हो, सिस्टर हो एंड डॉटर या सन हो। अब उन्होंने यहाँ पर ये न्यू एडिशन की है कि अगर उसके कोई क्लोज रिलेटिव मेंबर नहीं है तो किसी और पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, वो अपना नॉमिनी अपॉइंट या डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं तो आपका है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स सेक्शन 83। अब प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकती है, फर्दर शेयर इशू कर सकती है विदाउट इशूइंग राइट शेयर्स। अब ये यहाँ पर न्यू एडिशन हुई आपकी, इन्होंने अमेंडमेंट की है। उसके अलावा आपकी है रिक्वायरमेंट फॉर वैल्यूअर टू बी रजिस्टर्ड विद कमीशन हैज बीन लिफ्टेड नाउ। पहले क्या था कि वैल्यूअर वही एक्सेप्टेबल होगा जो कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होगा। अब वैल्यूएशन ऑफ नॉन कंसिडरेशन फॉर कैश कोई ऐसा वैल्यूअर भी कर सकता है जो रजिस्टर्ड ना हो। पहले सेक्शन 83 के अंदर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम का सेक्शन भी डिटेल्स में मौजूद थी कि उससे क्या सीन है क्या नहीं है। अब उसको सेक्शन 83 में से डिलीट करके एक सेपरेट सब सेक्शन इंसर्ट किया उन्होंने सेक्शन 83A। उसमें डिस्कस करते हैं कि अब क्या है कि पहले जस्ट पब्लिक कंपनीज क्या कर सकती थी, स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू अपने शेयर्स एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर सकती थी। अब उन्होंने क्या है कि ऑल कंपनीज न्यू एडिशन के मुताबिक अब ऑल कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने शेयर स्टॉक ऑप्शन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकती हैं जी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 86 एंड 88 बाई बैक ऑफ शेयर्स। पहले क्या था, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर बाई बैक कर सकती थी। अब उन्होंने क्या किया है कि ऑल कंपनीज अपने शेयर्स बाई बैक कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जैसे ही अपने शेयर बाई बैक करेंगे सारे के सारे शेयर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और उनको एज ए ट्रेजरी शेयर्स के तौर पर अपने पास नहीं रखेंगी। लिस्टेड कंपनी के लिए एक रिक्वायरमेंट एडिशनल आई है। लिस्टेड कंपनी के लिए पहले था कि वो अपने शेयर्स बाई बैक दो तरह से कर सकती थी, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या थ्रू टेंडर मोड। अब वो लॉ ने इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा है कि जस्ट लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर्स बाई बैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कर सकती हैं एंड जो टेंडर मोड था वो उन्होंने क्या कर दिया, विदड्रॉ कर दिया। अब ये नो मोर अलाउड हो गया। अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं तो एनुअल रिटर्न 130 सेक्शन सब जो सब सेक्शन 5 था सेक्शन 130 का, वो अब क्या होगी आपके अमेंडमेंट के मुताबिक आपके कंपनीज एक्ट में से डिलीट कर दिया गया है। इसको अगर हम देखें तो नाउ ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन रेंट। पहले था कि कुछ एक्सेप्शन थी कि अदर देन ए सिंगल कंपनी एटसेट्रा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अब तमाम कंपनियों ने क्या करनी है, अपनी एनुअल रिटर्न क्या करनी है, सबमिट करवानी है रजिस्ट्रार के पास। अगर अपना सेक्शन देखें 132 एनुअल जनरल मीटिंग, पहले क्या रिक्वायरमेंट थी इस अमेंडमेंट से पहले कि लिस्टेड कंपनी अपनी AGM अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले सिटी में या किसी नियरेस्ट सिटी में क्या कर सकती है, मीटिंग करवा सकती है। लेकिन इस अमेंडमेंट के मुताबिक उन्होंने क्या कर दिया है कि जो नियरेस्ट सिटी वाली फैसिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। अब जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जस्ट क्या कहाँ करवा सकती हैं, इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस सिटी में आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है वो आप उसमें अपनी AGM करवा सकते हो, उसके अलावा अपने नियरेस्ट सिटी में नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक न्यू लाइन ऐड की है कि कमीशन के पास पावर है कि वो लिस्टेड कंपनी को अलाउ कर सकता है कि किसी और प्लेस पर वो क्या कर सकते हैं, AGM कर सकते हैं। अब नियरेस्ट सिटी की करवाना या ना करवाने की अथॉरिटी है लिस्टेड कंपनी की अपनी, पावर ख़त्म हो गई है। अब ये किस कमीशन के पास अथॉरिटी है कि वो लिस्टेड कंपनी को अलाउ कर सकती है कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी मीटिंग करवा सकते हैं।
फिर हम देखते हैं 133 सेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सब सेक्शन 8, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में थोड़ी सी अल्ट्रेशन हुई थी, हमने इसकी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि स्पेशल रेजोल्यूशन में पहले था कि अगर प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज के केस में था कि अगर वो मेंबर सारे एग्री हों तो लेस देन 21 डेज के नोटिस पे भी क्या कर सकते हैं, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है। लेकिन पहले लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी था कि लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, 21 डेज के नोटिस के देने के बाद ही क्या कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है। 21 डेज के से शॉर्टर नोटिस पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि लिस्टेड कंपनी को भी अलाउ कर दिया गया है वो 21 डेज से शॉर्टर पीरियड के नोटिस पर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है अगर कमीशन अप्रूव करे तो। सिमिलरली अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी क्या हो सकती है, 21 डेज से कम नोटिस पर हेल्ड हो सकती है अगर कमीशन अलाउ करे लिस्टेड कंपनी को तो। अब उसके अलावा फर्दर एक न्यू रिक्वायरमेंट ऐड की है कि ईजीएम का नोटिस कमीशन को भी सेंड किया जाएगा, पब्लिश और न्यूज़पेपर में भी क्या किया जाएगा, पब्लिश होगा लिस्टेड कंपनी के केस में। पहले ये रिक्वायरमेंट थी जस्ट एजीएम के केस में, ईजीएम के केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। ईजीएम के केस में क्या आता कि सिंपली कंपनी ने क्या करना था, अपने मेंबर्स को नोटिस भेजना था। अब इसमें रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई है कि मेंबर्स को नोटिस के साथ साथ आप कमीशन को भी नोटिस भेजेंगे और कहाँ पर पब्लिश करवाएंगे, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। इसमें सब सेक्शन 1 सेक्शन सी के अंदर जो एडजर्नमेंट थी कि कोरम अगर अब आपका पूरा नहीं है तो फिर एडजर्न हो जाएगी, अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग, अगर डायरेक्टर ने कॉल की एडजर्न हो जाएगी, अगर मेंबर्स ने कॉल किया तो वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं है तो उसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन में मसला था, इंग्लिश में थोड़ा बहुत मसला था, अब वर्डिंग को उसमें थोड़ा करेक्ट कर दिया गया है, बाकी उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं है। फिर आपका सेक्शन 139 है, उसमें क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट मीटिंग ऑफ कंपनीज, कि गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी की मीटिंग्स पे जनरल मीटिंग में, उसके लिए भी क्या किया, जस्ट आपकी वर्डिंग को ठीक किया गया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखें नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। पहले क्या था आपका, कि पहले था हर केस में कि अगर मेंबर्स के पास 10% वोटिंग पावर है तो वो क्या कर सकता है, किस भी रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग कॉल कर सकता है। अब वो 10% से कम करके 5% कर दी गई है, मेंबर्स हैविंग 5% वोटिंग पावर इन द कंपनी कैन नाउ गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू बी डिस्कस्ड इन एनी जनरल मीटिंग। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करना, पहले था कि 10% वाले पर्सन जस्ट कॉल कर सकते हैं, अब कौन कॉल कर सकते हैं, 5% वाले मेंबर्स भी कॉल कर सकेंगे। ये वो सेक्शन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने थे, अब हम रिमेनिंग सेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।